नमस्कार प्रणाम, इंडिया तक राजदेवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया तक राजदेवी न्यूज। न्यूज को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं बात कर रहा हूँ गुंजन जी का और खेसारी जी का और पवन सिंह जी, चाहे जो भी सिंगर लोग हैं, बड़े बड़े स्टार लोग हैं, उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। आपको पता ही है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरी तहलका मचा रहा है और अश्लीलता के ऊपर दिन पर दिन कुछ ना कुछ लफड़ा होते जा रहा है। तो अभी जस्ट मामला सामने आया है, गुंजन सिंह जी जो कल लाइव आए थे, मगहिया भाई जो है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उनको बोला, फैन को बोला कि इसको ढूंढिए, ढूंढने के बाद इसको ऊपर कार्रवाई करिए। मैं बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी सोशल वर्क है वो लोग काम कर रहे हैं, इस पद पे काम कर रहे हैं कि वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे लेवल के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी साफ़ करना, तो इतना दिन से पहले से भी अगर आप लोग काम किए होते तो साफ़ हो गया होता, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा साफ़, होगा समय लगेगा लेकिन साफ़ हो जाएगा। मुझे उम्मीद ना, पूरा विश्वास है कि साफ़ हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो है अनलाइक करने के बजाय उसको लाइक करते हैं और उस वीडियो को चलाते हैं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं जो अश्लील गाना है। तो आप लोग के वजह से ये होता है, इसके वजह से आप उनको पता ही नहीं चलता है कि से ये मेरा गाना को पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं पसंद करते हैं तो अनलाइक कर दीजिए, पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए। तो इसी की वजह से उनका गाना चलता है और वो मतलब प्यार जो मिलता है पब्लिक का जो प्यार होता है, पब्लिक के प्यार की वजह से वो वीडियो कंटिन्यू उस चीज़ को डालते जाता है। सिंगर को लगता है यार मैं इतना हॉट किया हूँ, इसके वजह से मुझे इतना फॉलोवर मिला है, इतना मिलियन में मेरा व्यू गया है, तो इससे भी कुछ हट के करूँगा। कारण यही होता है, अगर आप लोग अश्लीलता को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इसके लिए सिंगर चाहे डायरेक्टर हो या राइटर हो, चाहे कोई भी राइटर हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी है सभी लोग यही देखते हैं कि हमारा वीडियो बहुत चल रहा है, इसलिए हम इससे भी अलग लिखूँगा। इसके वजह से लिखते जाता है, आप लोग सुनते जाते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते जाते हैं। गांव समाज का नाम ख़राब होते रहता है। गांव समाज में कोई भी लड़की घर से निकलता है तो उसका नाम पिंकी हो या चिंकी हो, जो भी हो, कोई लड़का देखता है तो उसको देख करके गाना गाने लगता है, वही गाना को गाएगा तो उसको शर्म महसूस होता है और इसके वजह से उसको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। इसके लिए मैं बोलूँगा किसी का नाम मत लीजिए और गाना गाइए, साफ़ सुथरा गाना गाइए, जैसे कि भारत व्यास लोग गाते थे, अच्छा गाना गाते थे, तो उस टाइप का गाना गाइए, सैड सॉन्ग गाइए, भक्ति गाना गाइए और अच्छा अच्छा गाना गाइए, ताकि पब्लिक मोमेंट जो हो अच्छा हो और गांव समाज का विकास अच्छा हो। इससे पहले जो भी भोजपुरी गाना आ रहा था बहुत ही अच्छा आ रहा था, सरल आ रहा था, लेकिन अभी जो आ रहा है भोजपुरी गाना पूरा तरह से अश्लीलता पे बढ़ते जा रहा है और जो भी सिंगर हाईलाइट हो रहा है वो अश्लीलता के वजह से ही हाईलाइट हो रहा है। इसके लिए मैं बोलूँगा आपको कि पुछता रहेगा भारत, अश्लीलता कब बंद होगा, अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठता रहेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी से कि जिस तरह से आप लोग अभी काम कर रहे हैं, इसी तरह से अगर काम आप लोग किए बिहार यूपी में, तो एक दिन हमारा बिहार यूपी आगे तक जाएगा। लेकिन आप लोग काम नहीं करते हैं, काम कारण ये है कि देश में जो भी दलाल, घुसखोर, चोर, बेईमान जो भी है, वो सभी के ऊपर आप लोग एक्शन लीजिए। क्योंकि आप लोग अभी पता चल रहा है मुझे कि हमारे यूपी बिहार में मीडिया वाला इतना है कि कुछ हद नहीं, मतलब हर घर में हमारे यूपी बिहार में मीडिया वाला अभी बन चुका है। तो आप लोग से अनुरोध है कि राशन हो या घर हो या भी कुछ भी फंड आता है तो उस चीज़ को हासिल लीजिए, और लेने के टाइम में अगर कोई आपको दबाव डालता है, पैसा दोगे तो पास होगा वगैरह वगैरह जो भी बोलता है, दलाली मांगता है, उस चीज़ पे आप एक्शन लीजिए। देखिए विकास होगा, 100% विकास होगा अगर आप लोग दलाल को रोक दीजिएगा। तो गांव का विकास करना है तो आपको दलाल को रोकना पड़ेगा। जो फंड सरकार देती है, सरकार तो देता है लेकिन सरकार घर तक नहीं पहुंचता है। राशन आता है लेकिन सरकार
कि फंड से डीलर के पास आता है, लेकिन डीलर सारा हुआ परोस देता है आपके पास। तो इस बात को ध्यान रखना है, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हर गांव में विकास के ऊंचाइयों को छूते हुए चलते रहिए, और गांव का विकास करिए। दोस्तों, जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ करना है तो हट के करो, ताकि पब्लिक में नाम हो जाए। अगर बनना है, पैसा है आपके पास, तो आप सोनू सूद जैसा बनो। अगर पावर है आपके पास, तो भगवत पांडे जैसा बनो। क्योंकि देश में अगर कुछ करना है तो अच्छे लेवल से करो, ताकि पूरी मार्केट में आपका नाम हो, और आपके जाने के बाद भी आपका नाम हो। तो इस तरह से आप काम करोगे ताकि आपका पूरी तरह से नाम हो जाए। अगर आप धरती पे आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ अच्छा करो। अगर जितना होता है उतना ही आप अच्छा काम करके जाओ, ताकि गांव समाज में आपका नाम हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अच्छे लेवल से काम करो, और गांव का विकास करने का काम करो। दोस्तों, अगर आपके पास जितना वक्त है, समय है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, हर दिन आपसे मिलेंगे और नई नई वीडियो लेकर के। तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, ताकि आपका प्यार बना रहे हम पे। हम हैं सीतामढ़ी जिला से, लेकिन अभी हम हैं मुंबई, आ गए हैं मुंबई नगरिया में। देख रहे हैं कि हम गाड़ी में हैं और गाड़ी चलाते हैं, और अपना मेहनत पे कमाते हैं, मेहनत पे खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं।